विश्वकर्मणे नमः। नमस्कार साथियों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। आज यह वीडियो विशेष तौर पर आधारित है, क्या विश्वकर्मा भगवान है कि नहीं, विश्वकर्मा कौन है, क्या वह भगवान है कि नहीं, यह जानकारी मैं प्रमाण के साथ दूंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और वीडियो में बनी रहिएगा। तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपको पता है, यह भी चैनल इस चैनल में हर माह की तारीख 16 व हर माह की अंतिम तारीख को भगवान विश्वकर्मा, विश्वकर्मा समाज व इतिहास से जुड़ी जानकारियों पर वीडियो अपलोड होता है। आज भी इसी चैप्टर से संबंधित वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण के अनुसार कहूँ, बताऊँगा। सबसे पहले तो श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण जो पंचश्री रामाशीष शर्मा द्वारा लिखे थे, तो यदि आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको इस किताब को पढ़ने से ज्ञात होगा कि जो भगवान विश्वकर्मा है वह संपूर्ण सृष्टि के कर्ता, धर्ता, पालन करता, संहार करता व रचना करना करता है। इस किताब में, इस ग्रंथ में सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा का महात्म दिया है, जिसमें महात्म पाठ एक में भगवान शिव अपने पुत्र कार्तिकेय की समस्याओं का समाधान करते हैं। कार्तिकेय के द्वारा जब प्रश्न पूछा जाता है कि इस संसार की रचना कैसे हुई, तो भगवान से बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्म विश्वकर्मा जी ने की है। तो इस किताब को आप एक बार पढ़िए, तब आपको अच्छी तरह भली भांति ज्ञात हो जाएगा कि क्या विश्वकर्मा भगवान है कि नहीं। तो भगवान विश्वकर्मा भगवान है, वो आदि पुरुष, आदि ब्रह्म, जगदीश्वर, वही संसार की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी, पालन करने के लिए विष्णु अवतार हैं, संहार करने के लिए शिव का अवतार है। और यदि आप चाहते हैं तो मैं पेज नंबर ही बता दे रहा हूँ, कितने किस पेज पर इसकी जानकारी दी गई है। तो इसमें देखें, विषय सूची में दिया है प्रभु विराट विश्वकर्मा, शायद नहीं आ रहा है। तो प्रभु विराट विश्वकर्मा महात्म भाग 1, पेज नंबर 3 की विषय सूची अर्थात इंडेक्स है। इसमें पेज नंबर पहले अध्याय में महात्म में बताया गया है, जब कार्तिकी जी द्वारा समस्याओं का समाधान भगवान शिव करते हैं, कार्तिकी जी कहते हैं हे कि इस संसार की रचना किसने की थी। तब भगवान कहते हैं हे कार्तिकी, जो इस दिव्य ज्ञान को जानता हुआ है इस भागवत सागर से तर जाता है, जो नहीं जानता है वह इसी भाव सागर में लहरों के थपेड़े खाकर डूबता तरता है रहता है। जिस प्रकार बसंत ऋतु के आ जाने से वृक्षों के नए कपोले आ जाते हैं, इस चैप्टर को जब आप पढ़ते हो तो आगे चलकर भगवान शिव कहते हैं कि हे कार्तिक के प्रभु विश्वकर्मा से ही शक्ति पाकर इंद्र स्वयं को शक्तिशाली बनाते हैं, सूर्य प्रभु विश्वकर्मा से ही प्रकाश लेकर स्वयं को प्रकाशित करते हैं। प्रभु विश्वकर्मा इतने महान है कि देवता जो वस्तु मांगते हैं, चाहे रहने के लिए कपड़े, लड़ने के लिए हथियार, आने जाने के लिए वाहन, पहनने के लिए वस्त्र या आभूषण, तत्काल दे देती हैं। तो इस चैप्टर को आप, किताब को एक बार पढ़िएगा। इस चैप्टर किताब में हर जिज्ञासा आपकी समाधान की गई है कि विश्वकर्मा भगवान है कि नहीं है। तो विश्वकर्मा भगवान है, मैं इसका प्रमाण साथ बता चुका हूं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।